आजी अभी आप रेसरा नंबर मनोज भैया का पूरा नंबर मैंने सुना, पूरे नंबर में केवल इन्होंने इतना गाया है, पेज पूरा नहीं भरा है, 45 मिनट में केवल ये गाया है और 45 मिनट जो पूरे घंटा में केवल ये देख लो उसमें, और बाकी तुमने एक घंटा किया किया बकवास। मैंने अपनी तरफ से दो बात कही थी, ये अंतिम चक्र है, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब ना देकर अपनी दो की तरफ दूंगा, लेकिन दो बातें मैं आपको बता देता हूं और फैसला आप लोग कर लो खुद ही, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं इनसे कुछ कहूंगा तो आप लोग कहोगे कि गोपाल तुम इनसे ज्यादा कुछ कह रहे हो। एक गीत आपने गाया, सत्य बता भारत की नारी किसको अपना कहे पति, उसका मैंने जवाब दिया कि आपने ये जो भारत की नारी शब्द डाला है, अगर भारत की नारी को तुम डालोगे तो जहां पति के चरण है, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे शरीर की बात थोड़ी कर रहा था, केवल मैंने ये कहा था कि जहां पति के चरण है वही उसका पति है, कहा था नहीं कहा था भैया, ऐसे नहीं हाथ रहा बताओ, कहा था नहीं कहा था। अच्छा तो क्या कह रहे हैं, फिर मैंने कहा कि जहां पर धड़ है, ये पुराण की कहानी है कि जहां पर धड़ है देवी मैया ने उसको उसका पति बनाया, धड़ पति का शरीर यार का, वो बोली के तो पुत्र पैदा कैसे होंगे, तो देवी मैया ने बताया कि जब ये सब रोएगा तो तू इसके आंसू पिएगी तो तू गर्भवती हो जाएगी, ये मोर मोरनी की उत्पत्ति ही वहीं से हुई थी, ये तुम्हारी वो कहानी थी, वो कह रहे हैं कि बिना धड़ के कौन पैदा है जाए, वो तुमने विजेंद्र गुरु से सीखा नहीं ठीक से, देख बिना शरीर के संभोग किए, मुकेश पंडित जी हनुमान जी पैदा हुए तो बिना शरीर के पैदा, वो कान से पैदा हुए थे, प्रभु राम पैदा हुए तो बिना शरीर के वो केवल खीर से पैदा हुए थे, चारवीर महाराज पैदा हुए तो बिना शरीर के केवल गूगल से पैदा हुए थे, बहुत लोग ऐसे जो बिना शरीर के पैदा हुए, तो तुम बात कर रहे हो अपनी, एक गीत गाया था मैंने, सत्य बता बाप ने शादी करी बेटी ते, बेटा ने ब्याह ली मेहतारी, अब इन चारों का रिश्ता क्या है ये पूछ रही दुनिया सारी। वो कह रहे हैं कि जो बाप पे ब्याहेगी वो तो माई लगेगी, वो तो बेटा को ब्याह मेहतारी, तो माँ अपनी बेटी से सास उकेगी तो फिर बेटा का तो मेहतारी ब्याह, बाप का जो बेटी ब्याह तो सास उकेगी अपनी बेटी से, तुम्हें जाके जवाब तो संतुष्ट हो भैया, हाथ उठा बताओ संतुष्ट हो, पहली बात देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं राजेंद्र भैया, अब दूसरा मैंने एक और गीत गाया था, मेरी डलिया में राम मेरे हाथों में श्याम, मैं तो बेचू सुबह और शाम मूर्तियां हनुमान की, बामी मूर्ति बताई मैंने, मोह पे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब वो क्या कह रहे हो कि जो मैं मूर्ति मांग रहा हूं अगर वो मूर्ति ना हो तो ना गांव में मोहम्मद दिखा दियो, तू बिल्कुल जी बात कही ना गई, अब मूर्ति का की मांग रहा हूं वो रावण की दे दे, रावण की मूर्ति ना हो तो रावण का पुतला होता है वो भी साल में केवल एक ही दिन मनाया जाता है जलाने के, मूर्ति नहीं होती रावण की। दूसरी बोले आप कि मोह कहते तीन मूल को, तो ब्रह्मा जी तुम बेची रहे, हम कह रहे ना मोह पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी तुम बेची रहे, फिर तुम बोले कि एक कहते लंबी सूढ़ को, तो गणेश जी हम पे थे, फिर तू बोलो एक मूर्ति दे दो गीता के ज्ञान की, कौन से ने देखी है गीता ज्ञान की मूर्ति, जवाब तो संतुष्ट हो, हाथ उठाएगा तो संतुष्ट हो, जी रसिया बात है तुम्हारी, केवल कोहरी बकवास कर रहे हो एक घंटा में, इससे तो अच्छा तुम इस बच्चे के दो गीत गा देते तो गीत भी अच्छा था, कि अच्छे कपड़े पहनकर क्या होगा, मन को गंगा तो कर ही चुके हो, इतना अच्छा गीत था ये,
इस नंबर पे आपने मुझसे दो बातें पूछी है और दोनों बातें तो मैंने गलत पूछी है। पहली बात पूछी कि शंकर जी की जटा कितनी है, तो सुप्राण में तो केवल इतना आया है कि शंकर जी की जो जटा है वो अंतरिक्ष का प्रतीक है, गिनती ना गरीबा में सो के दो हैं। केवल इतनी बात आई है कि शंकर जी की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है, और दूसरी बात यह भी आई है कि शंकर जी ने अपनी एक जटा खोल करके गंगा को एक पोखर में डाल दिया, उस गंगा की फिर सात धारा बन के धरती पर चली। केवल इतनी बात आई है जाते हैं ना, मैंने तो भैया पढ़ी ना है। तुम एक बात और कह रहे हो, सुने एक बात और कह रहे हो, तेरे बाप ने जो छियो मेरो अंग, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। 500 रुपए मैं आपको दूंगा, आप ही बता देना, नहीं बता सकते हो। जब छाता की मंच पे ना बता पाए तो मैं बता दो, छीना और पकड़ना अलग अलग होता है। अगर मेरे पैर में मोच आ जाए तो तुम्हारे के पाम पकड़ तो लोगे मेरे, लेकिन मेरे पैर कभी तुम छियोगे नहीं। छीना और पकड़ना अलग अलग होता है, पैर में मोच आए तो पैर पकड़ तो लोगे लेकिन छी नहीं सकते हो। पैर का कोई शब्द नहीं है। केवल प्रश्न ये था पहले कि जो तेरे बाप ने मेरी चीज नहीं देखी उसका नाम बता, ये सवाल था। कहना अंग तो तुम अपनी तरफ डाल रहे हो, सवाल ये था जो भयंद्र शर्मा जी गाते थे कि ऐसी कौन सी मेरी चीज है बेटा जो तेरे बाप ने नहीं देखी और तेरे बाप मर गए, ये सवाल था उसका, था रड़ापा, तो मेरे बाप ने मेरी माँ का रड़ापा, ये सवाल था। अब तुम गुमराह कर रहे हो, फसाओ लचाओ जी करो वो करो, दुनिया भर की बातें चल रही है आपकी यार। आइएगा मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत है और दो गीत मेरी तरफ से होंगे। पिछले नंबर पर मूर्ति वाला गीत गाया राजेंद्र भैया, पिछले नंबर पर मूर्ति वाला गीत गाया, और इस नंबर पर भी दो गीत गाऊंगा, एक आपके आनंद का होगा और एक जिस मैया के दरवाजे पर ये दंगल हो रहा है खेरे वाली मैया, एक गीत उस मैया का चरणों में रखूंगा, उसके बाद अपने नंबर को संपूर्ण करूंगा। बजा माता सुबह का झंडा, सुबह का और ये हो गया ये वक्त, सुबह का और हो गया और देख कट गए इनके
का एक जनता है और मैं कहानी की व्यवस्था दे रहा हूँ। और जो कह रहे हैं मनोज जी कहते हो गोपाल देख के देखो जो चिलम टीम तो है जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तो उठ के गाऊंगा मैं कहो तो नो। और देखो मूर्ति वैसी मांग रहो मतलब जाकर कोई चीज ना खरीदनी हो ना दुकान पे थे तो मांगती ऐसे वो तो बिल्ली को मुंह तो चाहिए। अशोक नागर ढोलक बजा रहे हैं ये विजेंद्र शर्मा से किसी के साथ नाचा करते थे किसी जमाने में एक लड़ुआ और एक भजनलाल मास्टर नीते के नाचते थे लेकिन अखाड़ा विजेंद्र शर्मा के नाम से था। संतोष शर्मा के साथ में मेरे गुरु रमेश जैसा कोई जनाने नहीं पैदा हुआ रमेश गुरु जैसा कोई जनाने नहीं हुआ लेकिन अखाड़े के मालिक संतोष शर्मा थे। बीदा बाबू बाबूलाल नाचा करते थे लेकिन अखाड़े के मालिक बाबूलाल थे। अब देखो हमें देखो मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं जनाना हूं अपने अखाड़े का मालिक भी हूं और मेरे अखाड़े से ये नाम भी चल रहा है नाथ गोपाल जनाना मुरसान के नाम से ये मेरा नाम भी चल रहा है। क्या बात है गलती करता हूं और जनाना बनवा कोई बुरा थोड़ी है। देख
हर किसनु बने जनाने अमृत और दुस कर दे उन्हें आरो भैया चलते करो। अरे पिसनू बने जनाने अमृत और दुस कर दे उन्हें आरो है। अब देख पीछे तक ताली ताली देख रे मेरे ताली मत बजे नहीं सा बजे नहीं तो भाई तो बजाना हो गई दे अमृत और दुस कर दे उन्हें आरो है। और भोला बनो जनानो माने लंबो भूटा डारो ये भोला बनो जनानो माने लंबो भूटा डारो हर एक दिना जनानो बन के चले गए बंसी बारो एक दिना जनानो बन के वो चलो गए बंसी बारो और बन गए भीम जनानो बाने जाए के मुक्की चको तो हम जनाने बने तो चलते कर रहे गीत क्या कह रहा है। अरे पल दो पल का ये सफर पल दो पल का साथ अब पहले नंबर पे हम कितना सम्मान कर रहे। अरे हंस के हमने आपसे यूं ही कर ली बात पर सोचा ना था हो गई बिन बादल बरसात रे हद कर दी हद कर दी देख मोदे कह रहे हैं तू मेरे जोड़ बनाए तो सुने अब हम तोते कह रहे हैं जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं और जहां की हो रही मशहूर जगत में हम उसको बरसाना कहते हैं और जो ठीक जगह पर लग जाए हम उसे निशाना कहते हैं और फिर देख पीछे तक ताली जो ठीक जगह पे लग जाए हम उसे निशाना कहते हैं जो मर्दों के भी छक्के छुड़ाए उसे गोपाल जमाना कर दिया आपने हद कर दिया आपने। मैं पांच मामा गा रहा सभी ध्यान से सुना कि मैं पांच मामा गा रहा सब करना पांचों पे गौर जैसे मामा पांच हैं ऐसो छह मोना मिलेगो और ढूंढने को ढूंढते रहते हैं लोग लेकिन जैसे पांच हैं ऐसा छह मा नहीं है कोई और मेरे पांचों ऐसे कि मैं नाम किसी मामा का नहीं बताऊंगा मैं नाम किसी मामा का नहीं बताऊंगा मैं तो केवल अपनी लाइन बोलूंगा लाइन लाइन में बोलूंगा और लाइन के हिसाब से अगर नाम समझ में आ जाए तो नाम बोलेगी ये जनता। चलो मैं पहले ही कह चुका हूं गाना बजाना ऐसा हो कि हम बोले बाद में जनता पहली किल्ला जावे। देख पहला मामा अपने भांजन के संग में बन कर दो अत्याचार अपने भांजन के संग में जन कर दो अत्याचार अपने भांजन के संग में बन कर दो अत्याचार छल कर दो पंडन के संग तब गए लुगाई। कौन सा मामा है जोर से बोलो कौन सा है। अरे छल कर दो पंडन के संग तब गए लुगाई हार छल कर गयो पंडन के संग में वो गई लुगाई हार। अरे युद्ध हुआ अरे युद्ध हुआ अरे युद्ध हुआ कुछ भी ना कहा बाप दुर्योधन के बाप ने युद्ध हुआ कुछ भी ना कहा बाप दुर्योधन के बाप ने। और अपने संग बोलोगे बोलोगे आज आने चाहिए वैसे यहाँ मुरोज भैया आता ना है कौन चले गए अपना हिसाब किताब बना दे चलो कूड़ भर हुआ बना दे रहे उनके कान तक आवाज आनी चाहिए। अरे युद्ध हुआ कुछ भी ना कहा और बाप दुर्योधन के बाप ने और ओए शकुनी मामा हद कर दी आपने अरे हद कर दी आपने बोलिए बता है सुन ले अरे हद कर दी आपने हद कर दी आपने Thank you.
अब दूसरा सुनो, अरे मामा मामा तू मृग बन जा और मैं जोगी बन जाऊं, दादा तू राम लखन को फेंका दे मैं सीता को हर लगाऊं। कौन सा मामा है, कौन सा है? अरे तू राम लखन को फेंका दे मैं सीता को हर लाऊं। और रावण को तो तार दिया था रावण के वा पाप में, रावण को तो तार दिया था रावण के वा पाप में, हो रावण को तो तार दिया था रावण के वा पाप में। और सुन मामा, तेरे रावण को तो तार दिया था रावण के वा पाप ने, हद कर दी आपने, अरे हद कर दी आपने, अरे हद कर दी आपने, अरे हद कर दी आपने। अब ये क्या मामा है भैया, हाथ उठा रहा कितने है तो है। अब तीसरा सुनो, तुम जो दोनों हाथ लगा उठा रहे हो कैसे है भाई। अब तीसरा, अपने बाप के संग में बन कर दो अत्याचार, अपने बाप के संग में कर दो अत्याचार, अपनो जीजा और जीजी बन दे जेल में डाल। कौन सा मामा है, जोर से बोलो। अरे अपनो जीजा और जीजी बन गए जेल में डार, अपनो जीजा और जी जी मार कुछ बहना बनारो। अरे अपनो जीजा और जीजी बन गए जेल में डार, अरे कंस को, अरे कंस को तो करो पटपरा, कंस को तो करो पटपरा कन्या के वा श्राप ने, ये कंस को तो करो पटपरा कन्या के बासा। अब समझो कंस मामा आज गोपाल कह रहे कन्हैया का दूसरा नाम क्या है, कंस को तो करो पटपरा कन्या के वा श्राप रे। ओए कंस मामा, हद कर दी, अरे हद कर दी आपने, अरे हद कर दी आपने, अरे हद कर दी। अब क्या मामा है रे, तीन और चौथा सुनो, अरे गंगा जी पे जाए के बन कर दो खोटो काम, काला और उदल के पीछे वो मामा भयो। कौन सा मामा है, माहिल। पिछले नंबर पे मैंने कासगंज जाई के झंडा ले उखाड़ यहां से ना, तुम मुंह तने हमारो है और गंगा जी की पार पे कह रहे हो जी उदल में होवे, तुम्हें पृथ्वीराज चौहान का जवाब देना था उधर से। आया कोई जवाब, नहीं आया, लेकिन अगर जवाब ना हो तो उसे मना कर दो। जैसे मैंने कह दिया कि कौन सी जटा में गंगा लग रही, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, ऐसे कह दो। अगर जवाब नहीं पता तो मना कर दो, कभी नहीं पता। और जैसे आपने पूछा क्या छुआ, तो मैंने मना कर दिया, अगर छूने वाली बात तो है नहीं, केवल देखने वाली बात है। ऐसे क्लियर करो बात है, गोलमाल मत करो गोलमाल। जो कह रहे ब्रह्मणिया कहा गया ब्रह्मणिया में, मैंने कह दी भैया तब होती गई ब्रह्मणिया, तू कह रहा तू हतो जब लेकिन आओ गई माँ तू ही देखो को नहीं तो होती ना माँ। भैया नहीं आते परमनिया कोल है वो, अगर पतो तो मैं अगले नंबर पे बताई हो ना मंच पे। अगर तुम हते और तुमने वहां परमनिया ले जाए भाई पे मार पत्त भी देखी तो तुम बता ना दियो अगले मंच पे। वो ऐसे ना तुम होते कह रहे हो कब प्रमाण में दिखाइयो को चले हो तब मानूंगो। चौथा मामा सुनो, देख अपने भांजन के संग में, अरे गंगा जी पे जाए के बने कर दे घोटो काम,
और आला और ऊदल के पीछे वो मामा भयो। कौन सा मामा है? क्या मामा है? हथौड़ा रख देने हुए। अब अंतिम मामा बचा है, लास्ट बचा है। क्या व्यक्ति बोला थी मैंने? पांच की बोली थी, अब चार तो हो गए, अब एक बचा है। और एक मामा ऐसा है कि तुम मजबूर हो जाओ तालियां बजाने के लिए। वो कहता है कि ताली बजते ना जा जनता, ध्यान तो सुन रहा है। जब जनता चलो चलो तो ताली बजते रहे। अच्छो तो कहा, अरे मेरे को अच्छो कहा तो खूब बजेंगे। मैं तो कह रहा हूँ जब आप बढ़िया दे तो भैया जो तुम्हें बजाओ, हमारे यहाँ तो अम्मा हो जाओ। देख अब पांचवा मामा तालियां रोक नहीं पाओगे, ये गारंटी है। चलो मामी है सो। देख मेरा मामा मेरे बाप का मामा, और मेरा मामा मेरे बाप का मामा, मेरा मामा और आपका मामा, आपका मामा और आपका मामा, आपका मामा और आपका मामा, सब मामा रहे बताए। अब देखता जी सब मामा रहे बताए, करवा चौथ पे भारत की नारी रही बाय अर्क। दुश्मन को तो मार दिया गोपाल इलम की थापरे, ये दुश्मन को तो मार दिया गोपाल इलम की थापरे, अरे दुश्मन को तो मार दिया गोपाल इलम की थापरे। अब सुन ले पांचों मामाओं, तेरे दुश्मन को तो मार दिया गोपाल इलम की थाप ने तो हद कर दी। चंदा मामू ने हद करी, वो मुर्गा बन के गए हो। अरे हद कर दी, अरे हद कर दी। पौने पांच बजे में एक गीत और रामवारी में, तेरे खेरे बारी माँ की प्रेम से सब बोलो जय जय। राणा ना सर आजा जाने वाले तेरी याद सताई। अरे छोड़ भाई, अब देख जैसे कुर्ता स्त्रीलिंग है भाई, अब पजामा स्त्रीलिंग है ना, बटन ना स्त्रीलिंग है, और तेरे में आ जाओ लहंगा का है जब पुल्लिंग है, अब आओ देखो साड़ी स्त्रीलिंग ना, स्त्री स्त्रीलिंग पहनते साड़ी। चलो बिना साड़ी के तेरे ब्लाउज और पेटीकोट का पामा किनाए, साड़ी स्त्रीलिंग है, चोली स्त्रीलिंग है ना, कोटी और भीतर का बहुत सामान है स्त्रीलिंग है। देख
गुलाम का नीचे तो भक्त ने कहा और मैं तालियां जाऊंगा देख। अरे गुलाम मुझे तू अपने ओ दर का बना ले, ये गुलाम मुझे तू अपने मादर का बना ले। मैं पहला अरे मैं पहला गया हूं भैया तू गले से लगा नौका खुला के नीचे ढेला और ढेला के नीचे घेरे नौका मेरी बीच भमर में आज मैंने डारी और बेगम हो जाता है जो आए नौला के नीचे अट्ठा आठो पहर मैया तेरी ज्योति जला के अट्ठा के नीचे सत्ता बड़ा सकून मिलता है तेरी सत्ता में आके सत्ता यानी कि सरकार। तो जहां पर मां का दरबार है वहां पर मां की ही सरकार है। यहां पर ये रसिया हो रहे हैं और हम रसिया गा रहे हैं आप आनंद ले रहे हैं तो ये केवल माता की मर्जी है किसी और की मर्जी ये माँ की मर्जी से यहाँ पर रसिया हो रहे हैं। ये बड़ा सुकून मिलता तेरी सत्ता में आते और सत्ता के नीचे ये छक्का भैया छक्का छक्का छूटे दानव दल के तेरे छक्का छूटे दानव दल के तेने सब सेना मारी बेगम हो जाता है जो आए नीचे छक्का के नीचे कहा हो तो हे मां मैं तो यहां पर पहली बार आया हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं मैं तो यहां पे पहली बार आया हूं तो मैया केवल इतनी कृपा करना ताश में क्या आया हूं पंजा। तो भक्त ने मां से कहा मां के पंजा पंजा कभी ना मेरे सर से हटाना के पंजा कभी ना मेरे गांव में रहता हूं शहर में नहीं रहता गांव के रहने वाले हमारा घर पक्को ना कच्चो है भैया को गोबर तो मिलो ना तो भैंस के गोबर तो हमने अपना घर लीप लो भैया और जो लीप तो क्या कहता है और पंजा के नीचे कहा हो तो भक्त मां से कह रहे हैं मां पंजा कभी ना मेरे और सर से मेरे घर के चौका भी मैया एक बार और आना फिर आकर कभी मत जाना मेरी माँ तेरी और चौका के नीचे तेरी तीनों लोकों में वैष्णो देवी जाते हैं ना वहां तीन मूर्तियां हैं हेरे तिग्गी तेरी तीनों लोकों में सबसे है न्यारी बेगम हो जाता है जो आए शरण में हरी। अब तिग्गी देनी चाहे दुआ कहां तक आएगी कहानी दुआ तक बात आएगी दुआ तो भक्त कह रहा है दुआ दुआ
दुआ कर रहा हूँ मैया तेरे दरबार में। और दुआ के नीचे का जहां पर मैं रहता हूँ राजेंद्र भैया, वहां मेरा एक परिवार है, एक माँ भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं दो, एक परिवार है भाई। तो वहां से चल करके जब यहां पर आ जाता मंच पर सिया गाने, तो यहां पर भी आकर के हमारा ये परिवार बन जाता है। तो शुरू में ही हम कह देते हैं कि हमारे भाई और पिता के समान हमारे बुजुर्ग लोग, तो यहां पर भी हमारा एक परिवार बन जाता है। तो अगर इस परिवार की कृपा हम पर नहीं होगी तो मैया भू परिवार हमारा भूखा मर जाएगा। तो हे माँ, केवल मेरा इतना कहना है तुमसे घेरे वाली माँ, दुआ कर रहा हूं मैया तेरे दरबार में, और एका बना रहे मैया सबके परिवार। और कहूं पार पार में मेरी माँ, बादशाह से शुरू किया था मैंने और इक्का तक आ गया। अब कुछ बचरो तो ना है अच्छा। तो भक्त ने माँ से कहा, मैया तू जो कर दे मंजूर है मुझको। पक्का बचरो? तो मैया तू जो कर दे, कुछ भी कर दे, वो तेरी मर्जी है। अरे तू जो कर दे मंजूर है मुझको, अरे ओ में तारी। अभी और बच रही है कछु चीज है? हाँ हाँ जी बच रही है। वो चिड़ी उड़ रही है मैया तेरी प्यार प्यार में, पान और सुपारी चढ़ावे तेरे दर का। चले सारी दुनिया में, किसका हुक्म चलता है? तेरा हुक्म चले सारी दुनिया में, और मैं हूं बलिहारी। अब कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? ईंट से बजाए दई ईंट, फिर ईंट से बजाए दई ईंट, लड़ी है लड़ाई और लखिया बनते मैया तू कारे गारे लखिया। अब कुछ बचो? सवरे पत्ता खत्म है बे, सवरे पत्ता खत्म है बे, है गई है बंद बटाई। अब ये खेले बंद करो और तुम ये काम करो मनोज भैया, जो दिल पे मतले जी ये हसी का बन गए। हाँ और जो ताली दे रही हो ये हसी का बन गए, दिल पे मतले ना का मैं व्यक्तिगत आपसे कह रहा हूं। तेरे सवरे पत्ता खत्म है गई ये बंद बटाई, अब खाली खोका को कहा करोगे तुम ले ले ओ तेल मेरी खाली खोका जैसी किस्मत जा भर गए मेहतारी। अरे खाली खोका जैसी किस्मत जा भर दे मेहतारी, और बेगम हो जाता है जो आए शरण तुम्हारे। अरे आजा धीरे धीरे मैया, आजा धीरे धीरे, अरे तू है कैसे अभी उनका एक नंबर आएगा, उनका भी एक नंबर हो जाएगा, उसके बाद मैं संपन्न होगा। अरे आजा धीरे धीरे मैया, आजा धीरे धीरे, तू तो है कैसे आएगा। मेरा नंबर इसी जगह पर भ्रम होता है तो